नीतू सिंह की पहली मूवी 1966 में आई थी सूरज। इसमें राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, अजीत, मुमताज और जॉनी वॉकर थे। इसमें नीतू सिंह ने चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। अगली फिल्म 1966 में आई थी 10 लाख। इसमें संजय खान, बबीता, हेलन, प्राण और ओम प्रकाश थे। इस फिल्म में नीतू सिंह ने चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। अगली फिल्म 1968 में आई थी 2 2 4। इसमें किशोर कुमार, आशीष सेन, सुधा रानी और तनुजा थे। इसमें नीतू सिंह ने चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। अगली फिल्म 1968 में आई थी 2 कलियां। इसमें माला सिन्हा, विश्वजीत महमूद और ओम प्रकाश थे। इसमें नीतू सिंह ने चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। अगली फिल्म 1969 में आई थी बारिश। इसमें जितेंद्र, हेमा मालिनी, महमूद, अरुणा रानी और प्रेम चोपड़ा थे। इसमें नीतू सिंह ने चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। अगली फिल्म 1970 में आई थी घर घर की कहानी। इसमें राकेश रोशन, बलराज सहनी, भारती निरूपाड़ा, ओम प्रकाश और शशिकला थे। इसमें नीतू सिंह ने चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। अगली फिल्म 1970 में आई थी पवित्र पापी। इसमें बलराज सहनी, परिचित सहनी और तनुजा थे। इसमें नीतू सिंह ने चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। अगली फिल्म एज ए लीड एक्ट्रेस नीतू सिंह की पहली मूवी 1973 में आई थी रिक्शा वाला। इसमें रणधीर कपूर, नीतू सिंह और माला सिन्हा थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1973 में आई थी यादों की बारात। इसके मुख्य एक्टर थे धर्मेंद्र, विजय अरोड़ा, जिन्नत अमान, नीतू सिंह और अजीत। इसमें नीतू सिंह ने स्पेशल अपीयरेंस किए थे। अगली फिल्म 1974 में आई थी शतरंज के मोहरे। इसके मुख्य एक्टर थे सत्येंद्र कपूर, प्रदीप कुमार, दुलारी और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1974 में आई थी आशियाना। इसके मुख्य एक्टर थे नीतू सिंह, रहमान और रुपेश कुमार। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1974 में आई थी जहरीला इंसान। इसके मुख्य एक्टर थे ऋषि कपूर, मौसमी चटर्जी, नीतू सिंह और प्राण। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1974 में आई थी हवस। इसके मुख्य एक्टर थे अनिल धवन, नीतू सिंह, विनोद मेहरा और बिंदु। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1975 में आई थी खेल खेल में। इसके मुख्य एक्टर थे ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राकेश रोशन और अरुणा ईरानी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1975 में आई थी रफू चक्कर। इसके मुख्य एक्टर थे ऋषि कपूर, नीतू सिंह, मदन पुरी और राजेंद्र नाथ। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1975 में आई थी जिंदा दिल। इसके मुख्य एक्टर थे ऋषि कपूर और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1975 में आई थी दीवार। इसके मुख्य एक्टर थे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, नीतू सिंह, निरूपाड़ा और प्रवीण बॉबी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 1975 में आई थी सेवक। इसके मुख्य एक्टर थे विनोद खन्ना और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1975 में आई थी रानी और लालपड़ी। इसके मुख्य एक्टर थे रीना राय, राजेंद्र कुमार, राशा पारेख, जितेंद्र, फिरोज खान और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1976 में आई थी महाचोर। इसके मुख्य एक्टर थे राजेश खन्ना, नीतू सिंह, अरुणा ईरानी और प्रेम चोपड़ा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1976 में आई थी सराफत छोड़ दी मैंने। इसके मुख्य एक्टर थे फिरोज खान, हेमा मालिनी और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1976 में आई थी शंकर दादा। इसके मुख्य एक्टर थे अशोक कुमार, शशि कपूर, नीतू सिंह और प्राण। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1976 में आई थी कभी कभी। इसके मुख्य एक्टर थे अमिताभ बच्चन, राखी, शशि कपूर, वहीदा रहमान, ऋषि कपूर और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1976 में आई थी भला मानुस। इसके मुख्य एक्टर थे रणधीर कपूर, नीतू सिंह, अरुणा ईरानी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1976 में आई थी अदालत। इसके मुख्य एक्टर थे अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1977 में आई थी धर्मवीर। इसके मुख्य एक्टर थे धर्मेंद्र, जितेंद्र, जिन्नत अमान, नीतू सिंह, प्राण और रंजीत। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 1977 में आई थी अमर अकबर एंथोनी। इसके मुख्य एक्टर थे अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, प्रवीण बॉबी, शबाना आजमी, रिंपाड़ा और प्राण। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 1977 में आई थी परवरिश। इसके मुख्य एक्टर थे शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, नीतू सिंह और शबाना आजमी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1977 में आई थी दूसरा आदमी। इसके मुख्य एक्टर थे राखी, ऋषि कपूर, नीतू सिंह और शशि कपूर। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1977 में आई थी ढोंगी। इसके मुख्य एक्टर थे रणधीर कपूर, नीतू सिंह और राकेश रोशन। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1977 में आई थी महाबदमाश। इसके मुख्य एक्टर थे विनोद खन्ना और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1977 में आई थी अब क्या होगा। इसके मुख्य एक्टर थे शत्रुघ्न सिन्हा, नीतू सिंह, असरानी और मौसमी चटर्जी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1977 में आई थी प्रियात्मा। इसके मुख्य एक्टर थे जितेंद्र, नीतू सिंह, राकेश रोशन, आशा सचदेव और उत्पल दत्त। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1977 में आई थी आंदोलन। इसके मुख्य एक्टर थे नीतू सिंह, तिवारी और राकेश पांडे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म
1979 में आई थी जहरीली, इसके मुख्य एक्टर सुरेंद्र सिंह, नीतू सिंह, बिंदु आगा और शरद सक्सेना। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1978 में आई थी कसमे वादे, इसके मुख्य एक्टर थे अमिताभ बच्चन, राखी, रणधीर कपूर, नीतू सिंह और अमजद खान। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1978 में आई थी हीरा लाल पन्ना लाल, इसके मुख्य एक्टर थे शशि कपूर, रणधीर कपूर, जिन्ना तमान और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1978 में आई थी अनजाने में, इसके मुख्य एक्टर थे ऋषि कपूर और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1978 में आई थी चक्रव्यूह, इसके मुख्य एक्टर थे राजेश खन्ना, विनोद मेहरा और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1979 में आई थी झूठा कहेगा, इसके मुख्य एक्टर थे ऋषि कपूर और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1979 में आई थी द ग्रेट गैम्बलर, इसके मुख्य एक्टर थे अमिताभ बच्चन, जिन्ना तमान और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1979 में आई थी आतिश, इसके मुख्य एक्टर थे जितेंद्र और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1979 में आई थी काला पत्थर, इसके मुख्य एक्टर थे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रवीण बॉबी और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1979 में आई थी युवराज, इसके मुख्य एक्टर थे कबीर बेदी, अरुणा ईरानी, विनोद खन्ना और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1979 में आई थी दुनिया मेरी जेब में, इसके मुख्य एक्टर थे शशि कपूर, ऋषि कपूर और नीतू सिंह और रंजीत। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1979 में आई थी जानी दुश्मन, इसके मुख्य एक्टर थे सुनील दत्त, संजीव कुमार, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, रेखा, रीना राय, नीतू सिंह और विनोद मेहरा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1980 में आई थी चुनौती, इसके मुख्य एक्टर थे धर्मेंद्र, फिरोज खान और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1980 में आई थी द वर्निंग ट्रेन, इसके मुख्य एक्टर थे धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, जितेंद्र, हेमा मालिनी, प्रवीण बॉबी और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1980 में आई थी धन दौलत, इसके मुख्य एक्टर थे राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा, ऋषि कपूर और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1980 में आई थी चोरों की बारात, इसके मुख्य एक्टर थे शत्रुघ्न सिन्हा और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1980 में आई थी काला पानी, इसके मुख्य एक्टर थे शशि कपूर, नीतू सिंह, बिंदु और अमजद खान। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1981 में आई थी एक और एक ग्यारह, इसके मुख्य एक्टर थे शशि कपूर, विनोद खन्ना, नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1981 में आई थी खून का रिश्ता, इसके मुख्य एक्टर थे जितेंद्र, नीतू सिंह, प्राण और अमजद खान। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1981 में आई थी याराना, इसके मुख्य एक्टर थे अमिताभ बच्चन, अमजद खान, नीतू सिंह, तनुजा और कादर खान। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1981 में आई थी वक्त की दीवार, इसके मुख्य एक्टर थे संजीव कुमार, जितेंद्र, नीतू सिंह और सुलक्षणा पंडित। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1982 में आई थी चोरनी, इसके मुख्य एक्टर थे जितेंद्र और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1982 में आई थी राजमहल, इसके मुख्य एक्टर थे विनोद खन्ना, नीतू सिंह, डैनी और अमजद खान। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1982 में आई थी तीसरी आंख, इसके मुख्य एक्टर थे धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राकेश रोशन, जिन्ना तमान, नीतू सिंह और अमजद खान। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1983 में आई थी गंगा मेरी माँ, इसके मुख्य एक्टर थे शत्रुघ्न सिन्हा, नीतू सिंह, अमजद खान और डैनी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1983 में आई थी जाने जान, इसके मुख्य एक्टर थे रणधीर कपूर, नीतू सिंह, अजीत, बिंदु और रंजीत। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2009 में आई थी लव आजकल, इसके मुख्य एक्टर थे सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और ऋषि कपूर। इस फिल्म में नीतू सिंह ने कैमियो किया था। अगली फिल्म 2010 में आई थी दो दूनी चार, इसके मुख्य एक्टर थे ऋषि कपूर और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2012 में आई थी जब तक है जान, इसके मुख्य एक्टर थे शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा। इस फिल्म में नीतू सिंह ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली फिल्म 2013 में आई थी बेशरम, इसके मुख्य एक्टर थे रणधीर कपूर, पल्लवी शारदा, ऋषि कपूर और नीतू सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2022 में आई थी जुग जग जियो, इसके मुख्य एक्टर थे नीतू सिंह, अनिल कपूर, वरुण धवन, कियारा आडवाणी और मनीष पॉल। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। यह नीतू सिंह की अब तक की आखिरी मूवी थी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।